तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाई टी चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहां पे रेडमी 9 पावर के यूज़र हैं तो आज आपके लिए यहां पे फिर से एक और बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के सामने आ चुकी है। यानी कि यहां पे एक और अपडेट यहां पे रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है MIUI के 12.5 के एनहेंस पर बेस्ड और एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड रेडमी 9 पावर के लिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे सबसे पहले यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा अभी तक वाई टी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब जल्दी से मेरा वाई टी चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने ऑफिशियली वाई टी चैनल पे Xiaomi की तरफ से जो भी यहाँ पे न्यूज़ आती है वो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बता देता हूँ। तो आप सब जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास Redmi 9 Power के लिए यानी कि Redmi Note 9 4G जो चाइना में Redmi 9 Power का नाम देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे हमारे पास एक न्यू अपडेट रिलीज कर दिया गया है 12.5.4.0 का RJQCNXM। और ये अपडेट Android 11 पर ही बेस्ड MIUI के 12.5 पर ही हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और इसमें हमें जो फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं वो हमें बहुत ही बढ़िया, यानी कि हमें इसमें फुली ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे दे दी गई है। यानी कि जो भी हमारे पास पिछले वाले अपडेट में इश्यूज़ देखने के लिए मिल रहे थे, कैमरे के इश्यूज़, लैग के इश्यूज़, बैटरी ड्रेन के इश्यूज़, वो अब यहाँ पे फिक्स हमारे पास हो चुके हैं। इसका मतलब कि अब ये वाला अपडेट हमें इंडिया में बहुत ही जल्द मिल जाएगा, MIUI के 12.5 के एनहेंस का अपडेट और इसके साथ ही एंड्रॉयड 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट। तो ये तो बात हो गई कि यहाँ पे एक न्यू अपडेट रिलीज़ कर दिया गया है Redmi Note 9 4G यानी कि Redmi 9 Power चाइना के लिए MIUI का 12.5.4.0 का, और ये अपडेट हमें MIUI के 12.5 के एनहेंस का अपडेट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो हमारे पास Redmi 9 Power के लिए एक न्यू अपडेट रिलीज़ किया गया था, वो भी इंडिया के लिए MIUI का 12.0.12.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट विद अक्टूबर सिक्योरिटी पैच। तो हमें उसमें यहाँ पे अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच यहाँ पे देखने के लिए मिल चुका था, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ थी। और इस अपडेट का जो साइज है वो हमें 251 MB का देखने के लिए मिल गया था। और ये अपडेट हमें 9th of November को रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका था। तो अब इसका फुली रोल आउट यहाँ पे बहुत ही जल्द हो जाएगा और उसके बाद यानी कि अब हमें MIUI के 12.5 के एनहेंस का अपडेट इंडिया के लिए विद एंड्रॉयड 11 हमें अब दिसंबर के महीने में ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये अपडेट हमें नवंबर के महीने में 9th of November को रिलीज़ किया गया था। तो जब भी एक अपडेट को रिलीज़ किया जाता है तो उसके एक महीने के बाद ही हमें एक न्यू अपडेट उस वाले डिवाइस में देखने के लिए मिल जाता है। तो अब आपको कम से कम एक महीने का वेट करना पड़ेगा, आपको एक महीने के अंदर अंदर या उससे ज़्यादा टाइम भी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन आपको इसी साल में Redmi 9 Power के लिए MIUI का 12.5 के एनहेंस का अपडेट वो भी इंडिया के लिए विद एंड्रॉयड 11 यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी गुड न्यूज़ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है Redmi 9 Power के लिए, क्योंकि यहाँ पे Redmi 9 Power चाइना में इस अपडेट को रिलीज़ किया जा चुका है MIUI का 12.5.4.0 का RJQCNXM। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की पूरी इन्फॉर्मेशन Redmi 9 Power से रिलेटेड कि यहाँ पे एक और अपडेट रिलीज़ किया जा चुका है और ये अपडेट हमें पब्लिक में चाइना के लिए रिलीज़ किया जा चुका है। तो इसका मतलब कि अब इसमें हमें जो भी बग्स पिछले वाले अपडेट में MIUI के 12.5.1.0 और 12.5.3.0 में देखने के लिए मिलते थे, अब वो यहाँ पे सक्सेसफुली फिक्स किए जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की पूरी वीडियो Redmi 9 Power से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे YT चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरा YT चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।